नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज। महेंद्रगढ़ में खाद न मिलने से गुस्सा है किसानों ने, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। डीएपी खाद न मिलने पर जताया रोष। प्रिय दर्शकों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में, मैं संजय कौशिक। आज महेंद्रगढ़ में खाद न मिलने से गुस्सा है किसानों ने, रेलवे रोड पर खाद एजेंसी के सामने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। क्षेत्र के अलग अलग गांव से सोसाइटी कार्यालय पर खाद लेने के लिए आए हुए किसानों ने बताया कि वे लगातार पिछले कई दिनों से सोसाइटी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। इससे उन्हें न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, साथ ही उनका समय भी खराब हो रहा है। सोसाइटी कार्यालय के अधिकारियों को केवल एक ही जवाब मिलता है कि उन्होंने उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया है, परंतु खाद कब मिलेगी इसके बारे में संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। किसान सुबह से सोसाइटी के दर पर खाद के लिए भूखे प्यासे खड़े रहे, परंतु खाद न मिलने को लेकर कोई भी संतुष्टिजनक जवाब उन्हें नहीं मिला। समिति कर्मचारी खुशीराम ने बताया कि जैसे जैसे खाद की गाड़ी आ रही है वैसे ही किसानों को खाद दिया जा रहा है। खाद का रैक आ चुका है, वहां से ट्रकों में लोड होकर यहां आता है, जिसमें समय लग जाता है। प्रत्येक किसान को 3 कट्टे खाद के दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह पीएन की पोस्ट पर है और मैं केवल एक ही कर्मचारी यहाँ हूँ, स्टाफ का अभाव है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बुआई के सीजन को देखते हुए किसानों के लिए क्या समय पर हरियाणा सरकार उपलब्ध करवा पाएगी खाद, या फिर आखिर कब तक खाद की कमी के कारण परेशान होता रहेगा कृषक वर्ग। तमाम अन्य प्रकार की खबरों एवं लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और खबर को ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। कितने बजे आए थे आप यहाँ? मैं 10 बजे आई थी। क्या कह रहे हैं ये लोग? देखा ना, ये भीड़ कर रखी कितनी, देना चाहिए अन्न खाद। बुढ़ेन से आई थी। भाई समस्या यह है महेंद्रगढ़ के साथ, इस सरकार ने बड़ा बहुत भारी अन्याय कर रखा है। बाजरा लेना बंद कर दिया और यहाँ डीएपी नहीं है, और अभी देखो एक हफ्ता में गाड़ी आई है और ये हजारों हजार जो से लोग बेचारे किसान परेशान सुबह 3 बजे के जो से लाइन में लग रहे हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि भाई महेंद्रगढ़ की कमी विशेष ध्यान दिया जाए, और कोई ध्यान नहीं देते। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ खाद पहुँचाया जाए, और बाजरा कल से बाजरा शुरू करें खरीदने। बाजरा 2 दिन खरीदा था और बाजरा भी नहीं खरीद रही सरकार, ना डीएपी दे रही। तो ये बहुत भारी जो है ना किसानों में रोष है इसके अपने हरियाणा सरकार के प्रति। महेंद्रगढ़ क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, और इधर को जो है किसानों को कपास का बाजरा का इतना ज़्यादा काम है, अपना समय इतना दे गए और ये लाइन में लग रहे हैं। हम चाहते हैं भी पंचायत का भी चुनाव जैसे शांतिपूर्वक हो, और अपना टाइम निकाल के किसान जो बेचारे लाइन में 8-8, 10-10 घंटे खड़े हैं, हम इसका जो है पूरा विरोध करते हैं कि सरकार इसकी व्यवस्था करे जल्दी से जल्दी, ना यहाँ जो है ना ये किसान जो है ना वो हो जाएंगे बरस जाएंगे। डीएपी खाद के लिए जी सुबह 4 बजे आए थे जी। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं हुआ, कह रहे हैं गाड़ी आएगी, कल आएगी, आज आएगी, 10 दिन से चक्कर कटा रहे हैं। 5 दिन हो गए जी, 5 दिन से कोई खाद नहीं मिल रहा। इधर दादाजी साइड सोनीपत साइड खाद का भरा पड़ा है, मंदिर का पता नहीं क्या हो रहा है। खाद के लिए बाजरो खाद के को बाजरो ले रहना और को खाद दे रहना, सुबह 5 बजे का उरा खड़े चक्कर काट रहा है। लाइन लगवा रखी से साथ परेशान है रे, पूरा आपका ही 6 बजे पूछ गो सौ रिवाज सा और किसान सुन रिवाज है काट दे लो और कंप्यूटर लगा दे किसान सुन। डीएपी नहीं दे रहे हैं? वो दे रहे हैं डीएपी। क्या कह रहे हैं? कल भी आया कोई परसों मिला को, कल बोला आया बनिया और आज भी दे देना है। ये खाद के लिए खड़े हैं। खाद 3 दिन पहले बैठा था जी। खाद कितने कट्टे आए हैं? खाद 500 कट्टे आए हैं जी। कितने किसानों को आज ये मिलना? हाँ जी, 3 कट्टे दे रहे हैं पर जमींदार। आगे गाड़ी आने की क्या संभावना? आगे एक गाड़ी और आएगी और आ रहे हैं, खाद रैक लग रहा है, रैक से गाड़ी आ रही, ये पहली गाड़ी आई है, पीछे से और आ रही है। तो खाद सारे किसानों को खाद? हाँ सभी, आज कोई कमी नहीं रही, खाद और आ जाएगा, पीछे से गाड़ी आ रही है, ये पहली गाड़ी है, इससे और आ रही है, खाद मिल जाए सभी जमींदारों को मिल जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम खुशीराम। हाँ जी, पोस्ट क्या आपकी? मैं पीएन हूँ जी, ये एक ही कर्मचारी हूँ, बस पीएन भी सेलमैन भी समिति में एक ही कर्मचारी। कर्मचारियों की भी कमी है आपके पास? हाँ, कर्मचारी तो
है ही जी, एक कर्मचारी हूँ फिलहाल सोसाइटी में, समिति में एक ही कर्मचारी हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।